व्यापारी का डबल मर्डरिंग का मामला सामने आया, क्या है वो मामला, किस क्षेत्र का मामला? थाना नौचंदी के अंतर्गत यहाँ पे सेक्टर 6 यहाँ पे एक मकान है, इसमें चार लोग एक घर में रहते हैं, पति पत्नी ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं और उनके जो माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता, वो नीचे वाले मंजिल में रहते हैं। जो इनमें से ऊपर की मंजिल में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है, और जो धारदार हथियार से जो हत्या की गई है वो अभी मौका मुआयना किया गया, तो ये घर में लूटपाट जैसी स्थिति नहीं है, कोई लूटपाट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या की है। और जो मृतक हैं इसमें वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करते हैं, सरिया फैक्ट्री में कार्य करते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती हैं, उनकी उम्र लगभग 45 साल है, और जो मृतक है उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है, आसपास सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ हमें मिली हैं, उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे कि घर में कौन आया कौन गया उसका पता चल सके, और इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है, और जिसके आधार पर फिर आगे जो घटना का नावरण है वो जल्दी किया जाएगा। सर, मोटिव पता लग रहा है सर इसमें अभी प्रथम दृष्टया? अभी जस्ट अभी एक घंटे पहले की ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि अभी हमारी जो टीमें हैं, फॉरेंसिक टीम है, एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, सभी लगातार कार्य कर रही हैं, और बहुत जल्दी इसका नारण कर लिया जाएगा। सर, हत्या के बाद घर में कौन कौन सदस्य मौजूद था, क्या ये दोनों अकेले थे या कुछ और? ये ऊपर की जो मंजिल है इसमें जो मृतक हैं दोनों पति पत्नी वो रहते थे, इनके जो माता पिता हैं जो मृतक के, ये नीचे की मंजिल में रहते थे, और घटना के वक्त जो बताया जा रहा है कि नीचे वाली मंजिल में इनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो भी रह रहे थे, और संभवतः ये हत्या खाना खाने के बाद रात को हुई है, और इसका अभी जल्दी अनावरण कर लिया जाएगा। ये जो सुबह इनके जो बेटे गुड़गांव में रहते हैं उनका फ़ोन के पड़ोस में आया कि इनके जो माता पिता हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और जो पड़ोसी व्यक्ति हैं वो इनके घर में आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो जो महिला हैं नीचे रहती हैं उन्होंने दरवाज़ा खोला, और उसके बाद ही ऊपर जाके देखा तो जो दंपत्ति हैं उनका जो शव है वो बेड पर पड़ा हुआ था, और उसके बाद ही इनको ये सूचना प्राप्त हो पाई।